एपिसोड नंबर 348 348। सीता जी की अग्नि परीक्षा हो चुकी है। देवता वहां उपस्थित होकर दयालु परम हितकारी श्री राम की महिमा का गुणगान करते हुए जहां तहां हाथ जोड़े खड़े हैं। अत्यंत पुलक भरे शरीर तथा मन से ब्रह्मा प्रभु की स्तुति करते हैं। अनेकों कामदेवों के समान अनुपम छवि है प्रभु की। भक्त वत्सल भगवान शोक और भय का नाश करने वाले, क्रोध से परे और ज्ञान स्वरूप हैं। अवतार लेकर भी वे अजन्मे, व्यापक, अद्वितीय तथा अनादि हैं। हे प्रभु, आप सभी दोषों और निंदा से परे अखंड और सदा सर्वरूप हैं। सर्वरूप होकर भी आप वो सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे सूर्य और उसका प्रकाश अलग अलग होकर भी अलग नहीं है, उसी भांति आप संसार से भिन्न और अभिन्न दोनों ही हैं। इसी अवसर पर स्वर्ग से दशरथ जी वहां आते हैं। पुत्र श्री राम को देख उनकी आंखों में आंसू उमड़ रहे हैं। वे राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हैं। पिता के सम्मुख नतमस्तक हो श्री राम अपने उद्गार प्रकट करते हैं। हे तात, ये आपके पुण्यों का प्रताप है जिसके बल पर मैंने अजेय राक्षसों पर विजय प्राप्त की। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, अवपारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनि कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप गहा। महिवार विभंजन ज्ञान
अनसंभव दारुण दोष हरम सरचाप मनोहर त्रोण धरम जल जारुण लोचन भूप बरम सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम मदमार मुधा ममता समनम प्रणामा दशरथ हर्षि गए